नमस्कार। आज एक ज़रूरी मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे संपर्क किया पिछले कुछ दिनों में, और जो एक विरोध अभी बच्चे दर्ज करवा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध, उसके बारे में बच्चों ने मुझसे कहा कि सर एक वीडियो आपको बनाना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आज मैं उस मैसेज को लेकर, उन बच्चों के उस संदेश को लेकर के आपके सामने आया हूँ। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं निकाली है। पिछले 2 साल से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सब इंजीनियर की वैकेंसीज नहीं निकाली है। अब इन पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 2 से 3 बैच डिप्लोमा वाले बच्चों के और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के पास आउट हो चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट ही गवर्नमेंट जॉब होती है, उनका लक्ष्य ही सरकारी नौकरी होती है। अब उन बच्चों के सामने एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है, और वो तनाव में है, डिप्रेशन में है, और होता भी है क्योंकि सभी को अपने फ्यूचर की चिंता होती है। बच्चा जब ग्रेजुएशन को पूरा कर लेता है तो उसका जो पहला लक्ष्य होता है वो एक अच्छी नौकरी पाना होता है, और ऐसे में जब नौकरियां नहीं आएंगी तो उन बच्चों का तनाव में जाना, उन बच्चों का डिप्रेशन में जाना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू सब इंजीनियर की वैकेंसीज लेकर के आए। और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ अपने खुद के तरफ से भी और आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी, और मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वे इस तरफ अपना ध्यान दें और ये जो बच्चे इतने अवसाद से गुजर रहे हैं, इतने तनाव से गुजर रहे हैं, इन बच्चों की कुछ मदद करें। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं या फिर हम गेट के एग्जाम को देखते हैं तो उन सभी ने अपनी एक टेंटेटिव डेट घोषित की हुई है। उन सभी ने बताया हुआ है कि वे लगभग कब अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि वे लगभग एक टेंटेटिव डेट बता दें। अभी माहौल बहुत एडवर्स है, अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि अभी एग्जाम हो सके, कोरोना पैनिडेमिक चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कम से कम एक टेंटेटिव डेट दे देनी चाहिए। उस डेट से क्या होगा कि बच्चों का टारगेट उनके सामने क्लियर हो जाएगा, उनका लक्ष्य उस डेट के लिए क्लियर हो जाएगा और वो अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों से भी मेरा एक छोटा सा गुजारिश है। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे यहाँ तो गांधीवादी परंपरा रही है। हमारे राष्ट्रपिता ने विरोध करने का बड़ा सुंदर सा तरीका हमें सिखाया है, तो हमें विरोध भी उसी तरीके से करना चाहिए। हमें अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का पूरा हक है और हमें पहुँचाना भी चाहिए, लेकिन उस बात को जब हम सरकार तक पहुँचाएँ तो उसमें लोकतंत्र की बड़ी सुंदर सी झलक दिखनी चाहिए। अभी बच्चों ने एक बड़ा सुंदर सा प्रयास किया है जिसके लिए बच्चों ने मुझसे बात करी और वो मैं मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ। आने वाले इंजीनियर्स डे मतलब 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से ट्विटर पर बच्चे इस टॉपिक को ट्रेंड करवाने वाले हैं। 2 हैशटैग आपको यूज करना है, MP PSC AE Vacancy 2 और सब इंजीनियर भर्ती 2। ये 2 हैशटैग रहेंगे जिन्हें 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से हम सभी को ट्रेंड करवाना है, सो दैट हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो ट्विटर पर अपनी एक आईडी बना लीजिए। ट्विटर पर आईडी बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको या तो एक जीमेल आईडी की ज़रूरत है या फिर आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। आप इन 2 चीज़ों का उपयोग करके ट्विटर पर एक अकाउंट बना सकते हैं और उस अकाउंट के माध्यम से 15 सितंबर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं इन 2 हैशटैग को लेकर के, जिससे हमारी बात हमारी सरकार तक पहुँच सके। और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन बच्चों के बारे में सोचिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं प्रदेश को, जनता को, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस बात के ऊपर अपना ध्यान जरूर लेकर के आएंगे और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और व्यापम के माध्यम से MP PSC AE और व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसीज को निकालेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, जमे रहिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचा के रहिए। मैं और पूरा का पूरा आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमेशा आपके साथ, आपके बराबर खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।